नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं NPCIL के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। आप यहां देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया हुआ NPCIL का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फॉर्म को डायरेक्टली अप्लाई भी कर पाएंगे। इसमें जैसे ही नीचे के सेक्शन पे आएंगे, इसमें करंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में दिया है, तो मैं बात करने वाला हूं इस वाली वैकेंसी के बारे में, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन भी, जिसमें डिप्लोमा एंड आईटीआई होल्डर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से आप नया पंजीकरण भी कर सकते हैं और इसमें डिटेल दे दी है वैकेंसीज की कि किसमें किसमें कितनी सीटें हैं। तो जितने भी आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं टेक्नीशियन भी में एलिजिबल है अप्लाई के लिए। तो आप यहाँ पोस्टें भी देख सकते हैं कि जो फिटर ट्रेड से रिलेटेड है 8 पोस्टें हैं टोटल। इसमें संचय प्रचालन हिंदी में दिया गया है ये, और इससे रिलेटेड जितनी पोस्टें हैं इसमें आपको दे दी गई हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और आप यहाँ से पंजीकरण देख सकते हैं। पंजीकरण कर लेंगे फॉर्म फीस भरने के लिए। आप यहाँ देखिए ओके करेंगे, यहाँ पे पंजीकरण में आप यहाँ NPCIL का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा आपको। इसमें आवेदित पद के बारे में आप डालेंगे, कौन से पद में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट करेंगे आप डिसिप्लिन अपना, ठीक है। उसके बाद श्रेणी सेलेक्ट करेंगे, आओ विकलांगता है या नहीं इससे रिलेटेड करके आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो मैं नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। आप यहां देख सकते हैं, इसमें देखिए मेन की पॉइंट्स पर मैं बात करता हूं। कैटेगरी सेकंड में आप देख सकते हैं वर्तमान में 14 वैकेंसी हैं अनारक्षित में, पद का नाम नेम और पोस्ट दिया गया है। ST/TM कैटेगरी सेकंड में ये बैकलॉग वैकेंसी दी गई है, इसमें ST की एक वैकेंसी है, OBC की दो बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 14 पोस्टें यहां पे अवेलेबल हैं। UR के लिए, EWS के लिए दो पोस्टें अवेलेबल हैं। इस तरीके से टोटल जो पोस्ट हैं 31 पोस्टें अवेलेबल हैं, 31। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट में आप देख सकते हैं टोटल 17 पोस्ट हैं, आप यहाँ कैटेगरी वाइज देख लेंगे। फिर उसके बाद सहायक बी के लिए देख सकते हैं एक पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद इसमें देखिए असिस्टेंट ग्रेड के लिए HR रिलेटेड में 4 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद जब नीचे के सेक्शन पे आएंगे तो ये जितने भी ITI होल्डर्स हैं उनके लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं टोटल 31 है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे टोटल 31 पोस्टें अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं उसमें टोटल 5 पोस्टें अवेलेबल हैं, जिसमें 2 UR की पोस्ट है, 2 SC की पोस्ट है और 1 OBC की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। प्लम्बर वाले ट्रेड वाले कैंडिडेट देखेंगे 2 पोस्टें टोटल UR की हैं। फिटर वाले ट्रेड वाले कैंडिडेट देखेंगे टोटल पोस्टें यहाँ पे 8 दी गई हैं, जिसमें कि 4 और आप कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लांट ऑपरेटर से जो रिलेटेड है उनकी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो उससे रिलेटेड उसके बाद ST/SA कैटेगरी फर्स्ट में देखेंगे जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट, टोटल यहाँ पे 17 पोस्टें दी गई हैं। आप यहाँ ब्रांच वाइज देख सकते हैं कि आपकी कितनी पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली जो पोस्ट दी गई है ये OBC की है, सॉरी ये OBC का है। उसके बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे इसमें देखेंगे सहायक वैज्ञानिक सहायक सी यानी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्टें दी गई हैं, एक पोस्ट अवेलेबल है जो कि UR के लिए अवेलेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड HR फाइनेंस में यहाँ देख सकते हैं टोटल 4 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पोस्टें कैटेगराइज कर दी गई। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, रिजर्वेशन दिया गया है पोस्ट एज फॉलोज के बारे में कि क्या क्या चीजें रहेंगी कैटेगरी सेकेंड के लिए। जो हैंडीकैप रहते हैं कैंडिडेट उनके लिए विकलांगता से रिलेटेड चीजें पॉइंट दिए गए हैं। हम बात करते हैं इसके सिलेबस पे लेके चलेंगे आपको कि इसका क्या सिलेबस रहेगा और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके लिए क्या रखी गई है। ठीक है, आप यह देख सकते हैं जो स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन था कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर, उसके लिए 12th होना चाहिए आपके पास। ठीक है, साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद शुड हैव इंग्लिश एज वन सब्जेक्ट एट लीस्ट SSC लेवल, यानी 10th में आपके पास इंग्लिश जरूर होनी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बात करें फिटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए, उनके पास हाई स्कूल होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर का ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से। ठीक है, शुड हैव इंग्लिश होना चाहिए उनके हाई स्कूल में एज अ सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद देखें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सबके लिए क्राइटेरिया सेम है, आपके पास 10th होना चाहिए और 2 साल का आपके पास ITI होना चाहिए जो रिलेवेंट ट्रेड का आपके होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हुई इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं वो देख लेंगे कि डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट जिनमें मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। अब देख लीजिए 60% ऑफ मार्क्स से होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू द लेटरल एंट्री इन अ सेकंड ईयर आफ्टर HSC अप्रूव AICT नॉट लेस देन 60 मार्क्स।
जैसे कोई लेटरल एंट्री से भी अगर डिप्लोमा किया हुआ कैंडिडेट्स है तो भी इसमें एलिजिबल है, उसके लिए भी आपको 60% मार्क्स ही रहना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रणाली ब्रांच के लिए कैंडिडेट के लिए सेम क्राइटेरिया को फिल करना है, उनका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या 2 ईयर का हो आफ्टर 12, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स होना ही चाहिए। सेम क्राइटेरिया अदर ब्रांचेस के लिए भी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे 4 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, जो सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी इसमें अवेलेबल है उसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं मांगा गया। इसमें देख सकते हैं आप स्टाइपेंड एंट्री टेक्नीशियन भी प्लांट ऑपरेटर के लिए देख सकते हैं, जो सैलरी रहेगी फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग स्टाइपेंड विल बी 20,000 पर मंथ, उसके बाद सेकंड ईयर में आपको 22,000 हो जाएगी, उसके बाद देख सकते हैं आपका अलाउंस लग जाएगा 3,000 रुपीज का पुस्तक भत्ता, बुक अलाउंस दिया जाएगा आपको टाइम ग्रेडेड के रूप में, फिर उसके बाद आपका बेसिक पे 21,700 लग जाएगा, लेवल 3 की आपकी जॉब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से देखेंगे स्टाइपेंड एंट्री ट्रेनिंग, इसमें देखेंगे आपका 26,000 मिलेगा पर मंथ। ठीक है, 24,000 पहले ईयर में, उस तरीके से आपका जो सैलरी रहेगा आपके लेवल पे लगा दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, आप देख सकते हैं 18 माह का यहाँ दिया गया है। ठीक, और मैंने किस चीज के लिए, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जो टेक्नीशियन जो आईटीआई होल्डर्स कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2 वर्ष के ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। आपके यहाँ पे लेवल 7 पे दिया गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट की जो सेफ्टी है उसके लिए लेवल 7 की जॉब है, जिनके लिए बेसिक रहेगा उनका 44,900 से लेके। ठीक है, और डीए आपका 18,858 रुपये, इस तरीके से टोटल अप्रॉक्सीमेटली 63,758 रुपीज सैलरी आपको बनने वाली है। टाइगर असिस्टेंट ग्रेड में लेवल 4 जॉब है तो उसमें आप देख सकते हैं 36,210 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैनुअली बात कर लें, 18 से 24 साल आपको यहाँ एज लिमिट दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 25 साल, ठीक है, साइंटिफिक सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 18 से 35 साल, और असिस्टेंट ग्रेड एचआर में 21-28 साल दिया गया है। जितने भी आईटीआई होल्डर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए एज लिमिट 18 से 24 साल दी गई है, और कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके रिलैक्सेशन के बारे में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ये बात करते हैं आगे, देखिए यहाँ पे दिया गया कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण समापन के 4.5 साल बाद, जैसे इसमें दिया गया है सर्विस बॉन्ड, ऐसे आपको बॉन्ड का दिया गया है, बॉन्ड आपको कितना बनेगा 4,47,000 रुपए का बॉन्ड रहेगा, इसमें 5,07,000 का बॉन्ड रहेगा, किसमें 5 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में, कैटेगरी फर्स्ट का आपको बॉन्ड दे दिया गया है, इतना आपको देना होगा अगर आप जॉब छोड़ते हैं। सिलेबस की बात कर लें तो जो ऑपरेटर वाली पोस्ट है उसमें गणित के 20% रहेंगे, विज्ञान के 20% रहेंगे, 10% सामान्य जागरूकता के रहेंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है सिलेबस के बारे में, 150 अंकों की होगी। आप मैं टोटली सिलेबस को देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, आप सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, और 30% जिसमें कि आपको पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं जो टेक्नीशियन बी वाले हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट सुपरवाइजरी के लिए देख सकते हैं 0.5 मार्क्स काटा जाएगा, 2 अंक दिए जाएंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, वो नंबर कैसे भी आपको दें। ठीक है, तो इसमें आपके घर आना नहीं है, ये असिस्टेंट ग्रेड का हो गया। नीचे की तरफ जब हम आएंगे इसमें, तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिटेल जो भी है नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे यहाँ पे कि आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। यहाँ देखिए दिया गया है फर्स्ट चरण जो होगा, सेकंड चरण, 2 चरण में रखा गया है, 2 चरणों की परीक्षा हेतु अभ्यर्थी है। जो पहला चरण होगा उसमें आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन हो गया 50 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नॉन टेक्निकल के बाद परीक्षा के 150 अंकों की होगी, 3 अंक दिए जाएंगे जब आपका जो सेकंड स्टेज है उसमें 3 अंक होगा, 1 अंक काट लीजिएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। स्टेज 2 दिया गया 120 मिनट का होगा ब्रेकअप ऑफ। ठीक है, स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर द इवेल्यूशन ऑफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन सेकंड फर्स्ट। अगर फर्स्ट स्टेज आपको जस्ट क्वालिफाई ही करना है उससे ज्यादा नहीं, सेकंड स्टेज जो रहेगा आपका टोटल टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको देने रहेगा टेक्निकल, जिसको कि आपको पास करना रहेगा, और उसमें उसी की मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन फुलफिल करवाया जाएगा। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे। ठीक है,
इससे रिलेटेड जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।